हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आप सब देख सकते हैं कि फ्रेंड अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम देखेंगे फ्रेंड हमारा सोलर में कितने एम्पियर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारी बैटरी अभी, और देखिए फ्रेंड बैटरी की वोल्टेज 14.1 है और हमारी बैटरी अभी 0 एम्पियर चार्ज हो रही है क्योंकि बैटरी फुल चार्ज हो रही है फ्रेंड। फ्रेंड जैसे ही हमारी बैटरी डाउन होगी फ्रेंड, वैसे ही हमारा जो SMU है वो हमारे एम्पियर देना शुरू करेगा हमारी बैटरी को, और उससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। अभी फ्रेंड बैटरी वोल्टेज फुल है इसलिए एम्पीयर 0.0 है, और लेकिन फ्रेंड जैसे ही हम इन्वर्टर को यूज़ करेंगे फ्रेंड, जैसे मतलब हम हमारा लोड लेंगे फ्रेंड, तो एम्पीयर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे देख सकते हैं फ्रेंड अभी फ्रेंड मेरा मेंस ऑफ है फ्रेंड, देख सकते हैं मतलब लाइन गई हुई है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड कोई नहीं है। तो फ्रेंड और हमारे इन्वर्टर देख सकते फ्रेंड, हमारा इन्वर्टर अभी UPS पे है और हमारा इन्वर्टर ऑन है, मतलब घर में जितना भी लोड चल रहा है फ्रेंड वो पूरा ही हमारा SMU से चल रहा है, सोलर चल रहा है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर लिखा है, देखिए फ्रेंड अभी जैसे कि हमारे 5.48 एम्पे चार्ज करा है इसने, जैसे डिटेक्ट किया फ्रेंड कि थोड़ा बहुत लोड आया है, तो फ्रेंड इसने जैसे ही अब तो तुरंत सोलर से एम्पे लेना शुरू कर दिया है, और हमारा जितना भी लोड है फ्रेंड वो हमारा बैटरी से सोलर से मिलकर चल रहा है। देखिए फिर से इसने 0.0 कर दिया फ्रेंड, जैसे इसमें वापस लोड आएगा फ्रेंड, जैसे इसने फिर से हम कोई लोड कनेक्ट करेंगे फ्रेंड, फिर से एम्पे देना शुरू कर देगा। तो ये DPS स्मार्टली सेंस करता है फ्रेंड कि इसे कितने एम्पे देना है बैटरी को, उसके अकॉर्डिंगली फ्रेंड ये हमको एम्पेयर देता है। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बताऊँ फ्रेंड, अगर मैंने फ्रेंड मेरा सीलिंग फैन अगर ऑन कर दिया तो आप देख सकते हैं फ्रेंड थोड़ा नॉइज होगा फ्रेंड, लेकिन आप देखिए फ्रेंड जैसे ही इस पर लोड देंगे फ्रेंड, फिर से फ्रेंड ये हमारा एम्पियर लेना शुरू कर देगा। देखिए जैसे ही मैंने सीलिंग फैन ऑन किया, देखिए इसे 9.88 एम्पियर लेना शुरू कर दिया फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड हमारा सीलिंग फैन 100 वाट का होता है, तो फ्रेंड उसने हमारे बैटरी से पावर ना जाए, सोलर से पावर जाए, इसलिए फ्रेंड इसने हमारी चार्जिंग लेना शुरू कर दिया। देखिए फ्रेंड फिर से हमारे ये 5.32 एम्पियर से बैटरी को चार्ज भी कर रहा है, ताकि फ्रेंड जैसे ही बैटरी डाउन होगी वैसे चार्जिंग करना शुरू कर देगा। ये देखिए 4.6 एम्पियर, क्योंकि फ्रेंड जो मैंने स्विच रखा है फ्रेंड, फ्रेंड मेरा स्विच सोलर पे है। देखिए यहाँ पे 2 स्विच मिलते हैं आपको मेन सोलर फ्रेंड, मैंने इसके बारे में वीडियो अपलोड की थी, अगर आपको देखना देख सकते हैं इन स्विच का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड, मेन्स पे क्या होता है, सोलर पे क्या होता है, आप देख सकते हो फ्रेंड इसे कनेक्शन कैसे करते हैं फ्रेंड। जून सोलर SMU के फ्रेंड वो मैंने अपलोड किया था, थोड़ी सी कनेक्शन ट्रिकी होती है फ्रेंड, वो मैंने अपलोड किया था, आप जाके वो भी देख सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड ये जो प्लग होता है फ्रेंड, यहाँ पे आपको इन्वर्टर कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड मैं इसे एज SMU नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसे एज सोलर कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर इन्वर्टर कनेक्ट नहीं किया है। अब देखिए फ्रेंड अभी फिर से इसने बैटरी को देखिए फ्रेंड, हमारा 10.8 एम्पीयर बैटरी को चार्ज कर रहा है फ्रेंड, क्योंकि इसने देखिए फ्रेंड सीलिंग फैन ऑन हो चुका है फ्रेंड, LED बल्ब चल रहा है फ्रेंड अभी फिलहाल, देखिए तो अभी ये फ्लक्चुएट हो रहा है फ्रेंड, जैसे कभी 10 एम्पीयर कभी 5 एम्पीयर अकॉर्डिंग टू लोड फ्रेंड स्विच करता है, और जितना ज़्यादा लोड होगा फ्रेंड उतना ज़्यादा सोलर से हमारा एम्पीयर लेगा। और लेकिन फ्रेंड बहुत लोग कहते हैं कि हमारा इसी हमारे बैटरी को ओवरचार्ज करता है, नहीं फ्रेंड सोलर चार्ज कंट्रोलर हो गया ये आपके जो अच्छे कंपनी के जो होते हैं फ्रेंड SMUs फ्रेंड, आपके बैटरी को कभी ओवरचार्ज नहीं करते फ्रेंड, नहीं आपके बैटरी को ओवर डिस्चार्ज करते, नहीं आपके बैटरी को फुल चार्ज करते मतलब ओवर चार्ज करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको आप कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड, और लोकल कंपनी का ना ले फ्रेंड, अच्छे कंपनी का ले, जैसे फ्रेंड जून सोलर का है, अच्छा ब्रांड है फ्रेंड, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इसको यूज़ किया है तो अच्छा क्वालिटी का है। आप यूटेल का ले सकते हैं फ्रेंड, आप जून सोलर का ले सकते हैं, एग्जेट का ले सकते हैं, ल्यूमिनस का ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई फ्रेंड, आपको जो भी क्वेरी है सोलर रिलेटेड फ्रेंड, आपने बहुत बार देख लिया है मेरा सोलर सेटअप फ्रेंड, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड, 180 एम्पीयर का बैटरी बैंक है, और 900 EB का इन्वर्टर है, और 330 वाट का सोलर पैनल कनेक्ट है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर ये आपको पूरा सेटअप देखना है तो मैंने बहुत बार अपलोड किया दिया है, वो आप देख सकते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हमारा ऐसा लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब फ्रेंड अभी इसने फिर से चार्जिंग लेना शुरू कर दी है, जब ये कॉन्स्टेंट होती है फ्रेंड तब हमारा बैटरी फुल चार्ज होगी, और जैसे ही ये ब्लिंक करेगी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। देखिए फिर से कॉन्स्टेंट हो गई है, मतलब हमारी बैटरी फिर से फुल चार्ज हो गई है। देखिए फिर से 9.88 एम्पीयर लेना शुरू कर दिया है, अकॉर्डिंग लोड फ्रेंड अपने को स्विच करता है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग ये हमारी बैटरी से एम्पीयर सॉरी सोलर से एम्पीयर लेता है, बैटरी को देता है। थैंक यू फ्रेंड्स।